और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से कुलगाम एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए मेजर को इस वक्त माफ कीजिएगा डीएसपी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुलगाम में एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए डीएसपी जिन्हें अब श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी और इसी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। मारे गए 1 आतंकी का शव मिला, बाकी के 2 शवों की तलाश जारी है। एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी शहीद हुए और शहीद डीएसपी को इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। 3 आतंकियों को इस एनकाउंटर में मार गिराया गया, 1 का शव मिला, बाकी के 2 शवों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी जो इसमें शहीद हुए। कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकियों का 1 शव मिल गया लेकिन 2 शवों की तलाश अब भी जारी। 1 मेजर, 1 सैनिक और डिप्टी एसपी इसमें शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के हर कोने से आतंकियों को खदेड़ने, उन्हें खत्म करने की पूरी तैयारी हमारे सुरक्षा बलों ने कर ली है और इसी का यह नतीजा है कि जिस कोने में भी कश्मीर के आतंकी दहशतगर्द छुप कर बैठे हैं उनका सफाया किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक और एनकाउंटर जब सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों का हुआ तो 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया जिनमें से 1 का शव बरामद कर लिया गया, 2 के शवों की तलाश जारी है। शहीद डीएसपी अमन ठाकुर को इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस देश के वो वीर सपूत जिन्होंने आतंकियों का सफाया करने में अपने प्राण न्यौछावर किए। कुलगाम की यह घटना जहां पर आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ था और उसी दौरान डीएसपी अमन ठाकुर की गोलियों का शिकार हुए। शहीद डीएसपी अमन ठाकुर को इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुलगाम की यह घटना पुलवामा के बाद लगातार हमने देखा है कि कश्मीर में किस तरह से सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस हैं और जहां भी आतंकियों के होने का इनपुट सुरक्षा बलों के पास होता है वहां पहुंचकर उस इलाके को घेर कर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। उन्हें चुन चुन कर कश्मीर से अब खदेड़ने का वक्त आ गया है। ऐसे में कुलगाम में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में आज 3 आतंकियों को मार गिराया गया लेकिन इसी दौरान डीएसपी अमन ठाकुर भी शहीद हुए। इस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पुलवामा में हुई घटना के बाद सुरक्षा बल बेहद चौकस है।